मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओबीसी का टॉपिक लेबर। लेबर की डेफिनेशन क्या कहती है, तो देखिएगा, आपके सामने लिखी हुई है, ए सीरीज ऑफ इवेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू एक्सपेल आउट वाइवल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। मतलब फीटस का यूट्रस से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, बाहर की साइड आने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही लेबर बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है, एक सीरीज ऑफ इवेंट में चलती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होगी। ठीक है, जैसा कि आपको सबको पता है, स्टेज फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी एंड फोर्थ। तो लेबर को फोर्थ स्टेज में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, अब नॉर्मल लेबर किसको बोलोगे आप? तो नॉर्मल लेबर बोलेंगे, उसके कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को पॉइंट आउट करके ही आप कह सकते हो कि ये नॉर्मल लेबर है। तो देखिएगा, आगे लिखा हुआ है नॉर्मल लेबर, और नॉर्मल लेबर को किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्मल लेबर को कहते हैं अपन यूटोसिया। यूटोसिया में कुछ पॉइंट हैं, उनको देखकर आप बोल दोगे कि हाँ, इस फीमेल के नॉर्मल डिलीवरी होनी है। जैसा कि एट टर्म, अगर फुल टर्म हो चुकी है तो आप बोल सकते हो, टर्म पर अगर डिलीवरी हो रही है तो वो नॉर्मल लेबर में आएगी। स्पॉन्टेनियस, अगर अपने आप हो रही है, स्वतः हो रही है, आप कोई भी एफर्ट बाहर से नहीं लगा रहे हो, तो वो भी क्या है, नॉर्मल लेबर में आएगी। विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं हुए हैं तो वो नॉर्मल लेबर में आएगी। विदाउट यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑक्सीटॉक्सिन एजेंट, अगर आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करा है, ऑक्सीटॉक्सिन एजेंट यूज नहीं करे हैं, तो ये सारे पॉइंट देखकर आप कह सकते हो कि ये नॉर्मल लेबर होगी, यूटोसिया होगा। ठीक है, अब एबनॉर्मल लेबर किसको बोलेंगे? तो देखिएगा, यही पॉइंट अगर नहीं मिलते हैं आपको, तो एबनॉर्मल लेबर को बोलते हैं डिस्टोसिया। नो टर्म डिलीवरी, टर्म से पहले डिलीवरी हो रही है, टर्म के बाद हो रही है। ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो कि वो एबनॉर्मल लेबर है। नो स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं हो रही है, आपको कोई एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि एबनॉर्मल है। विद एनी कॉम्प्लिकेशन, उसके साथ साथ कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो रहे हैं, तो उसको भी आप बोल सकते हो कि एबनॉर्मल लेबर में आएगी। विथ यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑक्सीटॉक्सिन एजेंट, आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करा है या ऑक्सीटॉक्सिन एजेंट यूज करा है, तो वो एबनॉर्मल लेबर में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से लेबर स्टार्ट हो जाती है? ठीक है, ऐसा क्या कारण होता है जिसकी वजह से लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाती है अपने आप? तो देखिएगा, लिखा हुआ है आपके सामने, कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, एट टर्म, मतलब फुल टर्म अगर किसी मदर के हो गए हैं तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस ऑफ फीटस। फीटस का जो हाइपोथैलेमस है, वो एक हार्मोन रिलीज करेगा, जिसको बोलोगे आप CRH। CRH का मतलब होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। किसके हाइपोथैलेमस से? फीटस के हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो फीटस के हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज हुआ, और वो वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर हार्मोन निकलेगा, जिसको बोलोगे आप ACTH। देखिएगा, ये लिखा हुआ ACTH। ACTH का मतलब होता है एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होगा, और ये किस पर वर्क करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। अब जब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पर वर्क करेगा, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलेगा ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन, और ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या काम करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा प्लेसेंटा को, ये प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करेगा, और प्लेसेंटा जब स्टिमुलेट होगी तो उससे रिलीज होगा ईस्ट्रोजन। तो जब रिलीज होगा ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जब लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो देखिएगा, लिखा हुआ है आपके सामने, रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन इंक्रीज, ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, रिलेटिवली प्रोजेस्टोरॉन डिक्रीज। यहाँ पर प्रोजेस्टोरॉन कम नहीं हुआ है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है, और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से रिलेटिवली प्रोजेस्टोरॉन कम हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोजेस्टोरॉन
एज ए टोकोलाइटिक का काम करता है। टोकोलाइटिक वो एजेंट होते हैं जो स्टूमुलेट नहीं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो करने देते हैं यूट्रस के अंदर। तो प्रोजेस्टोरॉन भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता है यूट्रस के अंदर। बट अब रिलेटिवली प्रोजेस्टोरॉन डाउन हो गया है और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है। अब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से देखिएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल जो बढ़ा है उसकी वजह से तीन कंडीशन जनरेट होगी। द फर्स्ट इज रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन इंक्रीज, उसकी वजह से ऑक्सीटॉक्सिन इंक्रीज हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होगा एंड इंट्रासेल्युलर कैल्शियम इंक्रीज। अब जो ये तीनों चीजें ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड कैल्शियम, ये सब क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे किसके अंदर, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे यूट्रस की मसल्स के अंदर, मतलब यूट्रस के अंदर। तो देखिएगा ये क्या करवा रहे हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा तो लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से लेबर पेन होंगे और लेबर पेन इंडिकेट करते हैं किसको, लेबर प्रोसेस की स्टार्टिंग को। तो लेबर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो था कॉज ऑनसेट ऑफ लेबर का। अब देखिएगा स्टेज, जैसा कि आपको पता है फोर स्टेज होती हैं किसके अंदर, लेबर के अंदर। द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो आपको पता है सर्वाइकल डाइलेशन होता है, सेकंड स्टेज के अंदर फीटस का एक्सपेल आउट होता है, थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा का एक्सपेल आउट होता है एंड फोर्थ स्टेज ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेज सबसे पहले देखेंगे अपन, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो लेबर की जो फर्स्ट स्टेज होती है इसके अंदर क्या होता है, सर्वाइकल डाइलेशन होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यूट्रस होता है, ये यूट्रस है और ये है सर्विक्स। तो इस सर्विक्स का डाइलेशन होगा किसके अंदर, फोर्थ स्टेज के अंदर। अभी ये जो डाइलेशन होगा वो कितने सेंटीमीटर होगा, तो लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का डाइलेशन होगा यूट्रस की। अब इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा दोनों में अलग अलग होती है डाइलेशन होने की। तो प्रीमी ग्रेविडा के अंदर 12 से 16, 12 to 16 hour लगते हैं, जबकि मल्टी ग्रेविडा के अंदर 6 to 8 hour ही लगते हैं सर्विक्स की फुल्ली डाइलेशन होने पर, और फुल्ली डाइलेशन 10 सेंटीमीटर होता है। तो अब इसके अंदर भी तीन स्टेज होती हैं सर्वाइकल डाइलेशन होने की। ठीक है, तीन फेज देखी जाती हैं। द फर्स्ट फेज को बोलते हैं लेटेंट फेज। तो लेटेंट फेज के अंदर क्या होता है, देखिएगा कुछ पॉइंट हैं। लेटेंट फेज में कौन कौन सी कंडीशन होगी, सर्विक्स का जो डाइलेशन होगा लेटेंट फेज के अंदर 1 to 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डाइलेट होगी। 1 से 4 सेंटीमीटर तक अगर डाइलेशन हुआ है तो आप बोलोगे लेटेंट फेज। फिर इसके बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट विद इन 50 to 30 मिनट। जो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो बार बार रिपीट होंगे, तो उनकी जो टाइमिंग होगी वो 15 से 30 मिनट तक होती है। ठीक है, लेटेंट फेज के अंदर। और रिमेन फॉर 15 to 30 सेकेंड, और जो वो कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा वो 15 से 30 सेकेंड के लिए बना रहेगा। मदर इज टॉकटिव, मदर जो है वो बातचीत कर सकती है। ठीक है, नॉर्मल रह सकती है, रेस्टलेसनेस फील नहीं करेगी इस टाइम। तो ये तो होती है लेटेंट फेज। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर आती है सेकंड एक्टिव फेज। अब एक्टिव फेज के अंदर क्या होता है, वहां पर हो गया था 1 to 4 सेंटीमीटर डाइलेशन, अब एक्टिव फेज के अंदर होगा 5 to 7 सेंटीमीटर डाइलेशन, 5 से 7 सेंटीमीटर तक डाइलेशन होगा सर्विक्स का। ठीक है, और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होंगे वो होंगे 3 से 5 मिनट के अंदर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन अब जल्दी जल्दी होने लगेंगे। ठीक है, 3 से 5 मिनट, 3 to 5 मिनट कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होने लगेंगे। रिमेन फॉर 45 to 60 सेकेंड। ठीक है, ज़्यादा देर तक रहेंगे, अब रिमेन रहेंगे 45 to 60 सेंटीमीटर तक बने रहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से पेन भी फील होगा ज़्यादा। ठीक है, आगे देखिएगा,
मदर की क्या कंडीशन होगी? तो मदर इज रेस्टलेसनेस, मदर जो है रेस्टलेसनेस फील करेगी इसके अंदर। अब थर्ड स्टेज, थर्ड फेज आती है ट्रांजिशनल फेज। तो ट्रांजिशनल फेज फेज के अंदर क्या होगा, 8 to 10 सेंटीमीटर डाइलेशन होगा। द फुल डाइलेशन 10 सेंटीमीटर होता है, तो लास्ट रहेगी फेज 8 से 10 सेंटीमीटर डाइलेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होंगे इसके अंदर 2 to 3 मिनट, ठीक है, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे। और रिमेन कब तक रहेंगे, 60 to 90 सेकंड तक, 60 से 90 सेकंड तक बने रहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो आप समझ सकते हो पेन भी ज़्यादा होगा, लेवर पेन इस टाइम बहुत तेज होगा। अब देखिएगा, ये तो हुई फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसके अंदर आपने देखा कि 10 सेंटीमीटर तक डाइलेशन होता है। इसके अंदर तीन फेज आती हैं। द फर्स्ट इज एक्टिव फेज, ठीक है, सेकंड इज सॉरी फर्स्ट इज लेटेंट फेज, सेकंड इज एक्टिव फेज, थर्ड इज ट्रांजिशनल फेज। अब देखेंगे अपन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की जो टाइमिंग होती है वो 2 to 3 आवर होती है, ठीक है। अब ये स्टार्ट होती है कब से, स्टार्ट होगी फुल डाइलेशन ऑफ सर्विक्स। जब फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाएगी तभी सेकेंड स्टेज होगी, जब ये अपन इसको सीरीज ऑफ इवेंट बोलते हैं, जब स्टेप बाय स्टेप चलती है। अब फर्स्ट स्टेज जब खत्म होगी, मतलब फुल डाइलेशन हो जाएगा सर्विक्स का, उसके बाद सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगी। तो लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम फुल डाइलेशन ऑफ सर्विक्स। अब इसके अंदर होता क्या है, एक्सपल्जन ऑफ फीटस, यहाँ पर बाहर आएगा फीटस, एक्सपल्जन ऑफ फीटस। अब देखिएगा, इसको भी डिवाइड करा गया है फेज के अंदर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज या फेज, ये 2 फेज में डिवाइड की गई है। द फर्स्ट इज प्रोपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज के अंदर क्या होगा, फीटस प्रेजेंट एट स्टेशन +5, +4 एंड +5। अब ये स्टेशन क्या होता है, तो स्टेशन जैसा कि आपको पता है यह है इस्चियल स्पाइन बोन, ठीक है। यहां हो गया -1, -2, -3, इस तरीके से आगे -4 आगे बढ़ते रहते हैं, और यहां पर नीचे आएगा +1, +2, +3, +4। अब ये यहां नीचे की साइड, मतलब यूट्रस ऊपर है -1, -2, -3। अब बाहर की साइड अगर फीटस आता हेड सबसे पहले बाहर आएगा, तो +1, +2, +3, +5 की तरफ आएगा। तो यहाँ पर फीटस प्रेजेंट हो जाएगा कौन से स्टेशन पर, +4 से +5 पर, एक्सपेल आउट होने लगेगा, बाहर की साइड आने लगेगा, ठीक है। ये सेकंड स्टेज की फर्स्ट फेज है, प्रोपल्सिव फेज। नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेज की सेकंड फेज, एक्सपल्सिव फेज। इसके अंदर एक्सपल्जन ऑफ फीटस, फीटस बाहर आने लगेगा। इसके बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है, डिसेंट होना, रोटेट होना, हेड का रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एंगेजमेंट। तो ये सारे जो इवेंट हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ जो इवेंट है वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ वो वीडियो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के इवेंट के बारे में ही होगी। अब देखिएगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा बाहर आएगा। सेकंड स्टेज के अंदर फीटस बाहर आया था, फीटस बाहर आने के बाद प्लेसेंटा डीअटैच रहता है जो यूट्रस से, वो सेपरेट होगा और बाहर आएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। अब इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, इसकी ड्यूरेशन रहेगी 30 मिनट की। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट क्या होगा, सेपरेशन, सेपरेट फ्रॉम डेसीडुआ स्पॉन्जिनोसम, डेसीडुआ से अटैच होता है प्लेसेंटा, आपको पता है। अब वो सेपरेट होगा डेसीडुआ से, तो इसके भी 2 मेथड हैं, ठीक है, सेपरेट होने के भी 2 मेथड हैं। ये लिखा हुआ आपके सामने, ये लिखा हुआ आपके सामने, द फर्स्ट इज स्लज्ड मेथड, ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है, एंड सेकेंड इज मार्जिनल मेथड। अब ये स्लज्ड मेथड में क्या होता है, मार्जिनल में क्या होता है, तो देखिएगा ये है यूट्रस, ठीक है, और इससे प्लेसेंटा अटैच है, ये प्लेसेंटा अटैच है। अब स्लज्ड मेथड के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा सेंटर से
यह है सेंटर पार्ट, यहां से सेपरेट होना चालू होगा और आगे बढ़ेगा पेरीफ्री की तरफ, ठीक है। सेंटर से डीअटैच होगा और पेरीफ्री की तरफ जाएगा, सेंटर से डीअटैच होकर पेरीफ्री की तरफ जाएगा, उसको बोलते हैं स्लज मेथड। और मार्जिनल मेथड के अंदर मार्जिन साइड्स मतलब पेरीफ्री की साइड से डीअटैच होगा सबसे, सॉरी सेपरेट होगा, और सेंटर में बाद में सेपरेट होगा, पहले पेरीफ्री से सेपरेट होगा एंड लास्ट में होगा सेंटर से, जबकि स्लज में पहले सेंटर से सेपरेट होगा फिर बाद में पेरीफ्री से, जबकि यहाँ मार्जिनल मेथड में पेरिफ्रल टू सेंटर लिखा हुआ है, पेरिफ्रल टू सेंटर। तो स्लज्ड मेथड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये तो हुआ फर्स्ट सेपरेशन। सेकंड देखिएगा डिसेंट। डिसेंट के अंदर क्या होगा, डाउनवर्ड डिसेंट इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अब ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा, डिसेंट होगा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, ठीक है। एंड थर्ड में क्या होगा, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट और प्लेसेंटा बाहर निकल जाएगा। अब देखिएगा फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज में आप क्या करते हो, फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है, फोर्थ स्टेज में सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन की जो टाइमिंग होती है, जो ड्यूरेशन होती है, वो 1 to 4 आवर्स होती है, ठीक है। और वाइटल पैरामीटर मतलब आपको ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स रेट ये देखनी होती है, क्यों, क्योंकि मोर चांसेस होते हैं ब्लीडिंग होने के, और अगर ब्लीडिंग हो गई तो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत होती है ओनली फोर्थ स्टेज के अंदर। अब जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के इवेंट थे वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल से आपको बता दिया जाएगा, और इसके कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ेंगे, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, और कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, तो वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।